Alright, good morning class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 1.4, coordination. Let's start with the meaning of coordination. What is coordination? It refers to that process which is established among the various activities of an organization so that organizational objective can be successfully achieved. ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है. कोऑर्डिनेशन का मतलब है इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस. ये वो प्रोसेस है विच इज एस्टेब्लिश हारमोनी. ओके, विच इज एस्टेब्लिश हारमोनी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज. वेरियस एक्टिविटीज मीन्स एज वी ऑल नो दैट इन बिजनेस वेरियस एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म. लाइक वी आर डूइंग प्रोडक्शन देयर, मार्केटिंग देयर, purchase there. So there are so many activities which have to perform in the organization. So it is necessary that we have to establish a harmony. Harmony का मतलब होता है आप कहते हो शांति एक तरह से, कि हम क्या कर सकें, एक harmonious relationship जो है वो establish कर सकें organization की सभी, यानी कि various activities जो perform की जाती हैं उनके बीच में. और इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और ये सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव, ताकि हम क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सकें. नाउ कम टू सेकेंड वन. व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुंडिस एंड ओडोनिल, कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हारमोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. देखिए कुंडिस और ओडोनिल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट. असेंस यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़रूरत है. कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की ज़रूरत है. क्यों? फॉर द अचीवमेंट ऑफ हारमोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट, देखो हर एक जो एम्प्लॉई होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है वो इंडिविजुअली एफर्ट्स लगाता है, ठीक है, लेकिन उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उसको किसके लिए लगाया जाता है, ग्रुप गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. ग्रुप गोल का मतलब जो गोल्स किसके हैं, कंपनी के हैं, वो सब मिलके ही हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. तो ग्रुप गोल को अकम्प्लिश करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स में हारमोनी क्या करना, अचीव करना, या आप कह सकते हो एक हारमोनियस रिलेशन एस्टेब्लिश करना किसकी वजह से पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन की वजह से. एंड दैट्स व्हाई कुंटज सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट what we can do, we can achieve harmony of individual efforts. Individual efforts में हम harmony को achieve कर सकते हैं towards किसके लिए, accomplish the group goals, group goals को achieve करने के लिए. Now come to next one, what are the features of coordination. Then the first feature is start with the first feature. The first feature is coordination integrate group efforts. Coordination जो है वो क्या करता है, integrate करता है किसको, group efforts को. कैसे, देखिए the need for coordination is felt when group efforts is needed for the achievement of an objective. Or we can say one person is completing a job, then there is no need of coordination. देखो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. कैसे इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट. कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, व्हेन ग्रुप एफर्ट्स इज नीडेड. जब आपको किसकी ज़रूरत होती है, ग्रुप एफर्ट्स की, बिकॉज वी हैव टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन ओनली व्हेन देर आर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, जब बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की. और वी कैन से, और हम कह सकते हैं, इफ़ वन पर्सन इज़ कम्प्लीटिंग अ जॉब, अगर सिर्फ सिंगल आदमी है जो एक काम को कम्प्लीट कर रहा है देन देयर इज़ नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो हमें कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन कैन डू द एक्टिविटी वन बाय वन इट्सेल्फ. सो इट देयर इज़ नो नेसेसरी टू एस्टेब्लिश एडजस्टमेंट या एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन
between the activities, because a single person perform the activity one by one, so there is no need to establish coordination, because coordination is only needed when group efforts are there. Number of people are working, then we need coordination. Now come to second one. Second one is coordination ensure unity of action. What does it mean, unity of action? It means during coordinating process, an effort is made to create unity among various activities of an organization. ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? It means during coordinating process. जब हम coordinating process कर रहे होते हैं, an effort is made. एक effort जो है वो लगाया जाता है to create unity. क्या create करने के लिए? Unity create करने के लिए. मतलब एकता लाने के लिए among various activities. जो अलग अलग activities होती हैं of an organization, एक organization में. For example, देखिए नीचे आपको दिया हुआ है, purchase and sale departments have to coordinate their efforts so that supply of goods take place according to the order. Okay, ये कह रहे हैं कि purchase और sale department जो है, ठीक है, have to coordinate, उनको coordinate करना पड़ेगा किसके अंदर, their efforts, उनके efforts के अंदर, so that हम क्या कर सके, supply कर सके goods की अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑर्डर. जैसा कि परचेज ऑर्डर हमें मिला है, भाई जब तक परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम टाइमली जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करके सप्लाई कर पाए. तो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी दैट परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट व्हेन दे वॉन्ट टू अचीव अ टारगेट या व्हेन दे वॉन्ट टू कंप्लीट अ ऑर्डर. नाउ कम टू थर्ड वन. Coordination is a continuous process. Coordination को जो है वो continuous process कहा जाता है. Why? Because it is not a job which can be performed once. ये ऐसी job नहीं है जिसे आप एक बार में कर दें for all, हर चीज़ के लिए. मतलब आप पूरे साल का coordination एक organization के लिए एक दिन में establish नहीं कर सकते, but it is needed at every step. क्योंकि ये आपको हर रोज़ हर step पे चाहिए होगा. चाहे आप बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में है तो भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर आप एंड में है, गोल को अचीव करने तक पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, देन आल्सो यू नीड द कोऑर्डिनेशन, बिकॉज मैनी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द बिजनेस. बिजनेस में जो है वो क्या होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है. और एंड इफ एनी एक्टिविटी इज डिस्टर्ब देन कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल फेस द लॉस. सो एवरी एक्टिविटी मस्ट बी बैलेंस्ड. तो ये कह रहे हैं कि अगर एक भी एक्टिविटी क्या होती है, डिस्टर्ब्ड होती है, यानी कि गलत हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे एंड होल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस द लॉस. और इसीलिए ये कहना ज़रूरी है दैट एवरी एक्टिविटी मस्ट बी बैलेंस्ड, कि सारी की सारी एक्टिविटी को जो है वो बैलेंस्ड करना ज़रूरी है. दिस इज अवर थर्ड फीचर. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज coordination is all pervasive. Actually three are left, so we will study these three features in the next video. Thank you.